हेलो गाइज हव यू ऑल सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग आई गॉट योर लवली लवली मैसेजेस यार एंड आई एम सॉरी दैट थोड़ा सा डिले हो गया करंट अफेयर का बट आई हैव प्रोमिस्ड यू कि जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा करंट अफेयर्स में उसके अलावा यू डू नॉट नीड टू कवर एनी थिंग एट ऑल ओके सो आई एम स्टिल ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग आपको कुछ और कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम आई गो न टेल यू अबाउट करंट अफेयर ऑफ मे एंड जून जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मे और जून को खासकर आपके सी डी एस आफ कैट एन डी ए इस एग्ज़ाम के लिए ट्रस्ट में सिर्फ पढ़ना एक बार वीडियो देखना अगर स्लो लगे क्योंकि मैं रियल टाइम में बोल रहा हूँ तो, तो मे भी स्लो लग सकता है सो वन पॉइंट फाइव एक्स करके देखना ठीक है यू टाइम इज इंपॉर्टेंट तो उतना वेस्ट मत करना अगर स्लो लग रहा है तो सो वन पॉइंट फाइव एक्स कर लो उसके बाद आई विल सेंड दिस पी डी ऑफ़ दिस वेरी पी डी ऑफ जिस पर मैं लिख रहा हूँ और जिसपे ये सारे करंट अफेयर लिखे हुए हैं ज्वाइन नहीं किया है आई प्रोवाइड अ लिंक इन कमेंट सेक्शन फर्स्ट कमेंट अपना एड कर दूंगा वहां से आप ज्वाइन कर लेना वहां से आपको मिल जाएगी ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइक्लोन कोई भी ऐसा मंथ नहीं होता जहां पर साइक्लोन नहीं आ रहा है इस टाइम पे सो फर्स्टली योर साइक्लोन यास ओके सीडीएस में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अगेन इट इज़ गना आस्क यू अबाउट साइक्लोन यास सो फर्स्ट थिंग दैट इट इज़ नेम्ड बाय ओमान ओके ओमान एक नेशन है इट इज़ नेम्ब बाय दैट नेशन ओके कंट्रीज जो इंडियन ओशन रीजन में हैं दे जस्ट गिव नेम्स वो कुछ नेम्स देते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट अलग अलग नेम साइक्लिक एक पैटर्न फॉलो होता है उसके बेसिस पे साइक्लोन के अलग अलग नेम होते हैं ठीक है सो दिस साइक्लोन यास हैज़ एक्चुअली हिट बे ऑफ बंगाल अब बे ऑफ बंगाल साइड ने हिट किया था अभी कुछ दिन पहले पता क्या हुआ था कुछ दिन पहले आपकी अरेबियन सी की तरफ आपका एक साइक्लोन आया था उसका नाम था टॉटे अब इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है बट ये नाम था एंड ये नाम दिया गया था इस साइक्लोन का बाय म्यांमार एंड इट हैज कम इन अरेबियन सी नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट ओके सो दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट नाउ जस्ट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ थिंग अबाउट साइक्लोन वैसे तो आप ये चीजें पढ़ते हो जोग्राफी में बट लेट मी टेल यू कुछ चीज़ें साइक्लोन एक्जैक्टली होता क्या है मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर बट ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो साइक्लोन इज नथिंग बट अ लो प्रेशर एरिया अब लो प्रेशर सर क्या होता है लो प्रेशर का मतलब है जहाँ पे गर्मी होगी हमेशा याद रखना लो प्रेशर वहाँ बनता है जहाँ हीट ज़्यादा हो ठीक एज कंपेयर टू एनी अदर रीजन हीट होने से क्या होगा गर्मी है गर्मी होने से जो आपकी एयर होती है ना वो राइज कर जाती है आपकी एयर राइज़ कर जाती है तो जब नीचे की एयर यार ऊपर चली गई तो डेफिनेटली नीचे कम चीज़ें बचेंगी ना ओके आपके पास बीस रुपये थे मैंने दस ले लिया तो आपके पास दस बचे ना यानी आप लो बजट पे हो ना सेम गोज विथ हेयर ठीक है थीके? तो लो प्रेशर यहाँ पे बनेगा एंड इट इज़ सराउंडेड बाय हाई प्रेशर और इसके चारों तरफ हाई प्रेशर बनता है ठीक है ये सरफेस पे बनता है या ओशन पे बनता है ठीक तो जो विंड की मूवमेंट होगी वो हमेशा याद रखना विंड की आपकी मूवमेंट विल ऑलवेज बी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये साइक्लोन का डिस्टेंस ही पूछते हैं आई एल कवर दिस ऑल्सो इन क्लासेस ठीक है है तो ये है एक बेसिक इन्फो कि आपका साइक्लोन यहां पे बनता है जहां पे एक बीच में लो प्रेशर एरिया होता है और उस बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं आई आई ऑफ साइक्लोन चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज वॉलो अगेन ये सारे फेवरेट टॉपिक हैं सीडीएस के दिस वॉलकेनो माउंट निरंगो रिसेंटली गॉट एरप्टेड ठीक है रिसेंटली ये एडप्ट हुआ है कहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ना ये दो कंट्रीज हैं एक रिपब्लिक ऑफ कांगो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कंफ्यूज नहीं होना है इस पर आपको नेम इंपॉर्टेंट है कौन सा ये वॉल कैनो सेकंडली कौन से कंट्री में ना वॉलकैनो की बात कर रहे हैं हम तो यहां पर लेटमी टेल यू रिसेंट में ऑल्सो देर इज वन माउंट सिनोबर्ग माउंट सिनोबर्ग विच got erupted and it is in Indonesia. So you should know this also. Now about this volcano thing. dekho देखो क्या होता है आपको आपने दो padhe पढ़े होंगे One is lava second is magma मैगमा बड़े कंफ्यूजन होता है इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है सो लेट मी टेल यू फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर आपका चीजें बाहर निकल रही हैं. ठीक है ये सरफेस यह है यहां से बाहर निकल रही है तो जो चीज बाहर आती है द थिंग विच कम्स आउटसाइड इज एक्चुअली योर लावा वो सॉन्ग सुना है ना गलीबा वाला फट के अलावा बाहर आएगा सो so, फट के बाहर आएगा मतलब जो चीज़ बाहर आएगी दैट इज योर लावा जो चीज़ अंदर स्टोर्ड है उसको हम बोलते हैं मैग्मा अब यहां पे खेल होता है अंदर अगर यही मैग्मा जो बाहर आ गया उसको बोल दे लावा जो मैग्मा बाहर नहीं आ पाया वो दो टाइप के होते हैं एक वो यहीं पर वर्टिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक हॉर्जेंटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो जो मैग्मा वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम बोलते हैं डाइक जो बनाते हैं हॉर्जेंटल स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड सेल टर्म्स आर इन योर एग्जाम ओके चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु टू वी ऑल नो अबाउट ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था वंदे भारत के साथ दैट वॉज टू रिपेट्रीएट इंडियंस जो बाहर फंसे हुए थे दैट वॉज फॉर देम दिस ऑपरेशन समुद्र सेतु टू इज बेसिकली फॉर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स ऑक्सीजन की कमी है अभी आप लोगों को पता है तो बाहर की कंट्रीज से जाके ऑक्सीजन लेके आना ये काम था एग्जैक्टली अंडर दिस ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ठीक है तो यहां पे हमारे जो आई एन एस ठीक है जो इन्वॉल्व थी उसमें देवर अरावत जो कि समुद्र सेतु वन में भी थी जलसा ओके त्रिकंड आईएनएस कोची आई एन एस कोलकाता ओके ऑल दिस इंडियन नेवल शिप्स वर इन्वॉल्व इन समुद्र सेतु टू मस्ते योगा योगाज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुष मंत्रालय है गवर्नमेंट में इट इज लॉन्च बाई दॉन्च ऑन सेवेंथ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वी ऑल नो ये कब होता है इट इज ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून ओके एंड इस बार का जो थीम था इस बार का जो आपके योगा का थीम था that is that was for yoga for wellness this theme is also important okay yoga for wellness is bar ka theme tha now 21st june ko aisa kyu hota hai the reason for that is aapka jo sun hai aapka sun 21st june ko tropic of cancer ke upar hota hai और उसी को हम बोलते हैं summer solstice। Now ये चीज़ें detail में हम पढ़ते हैं geography में but आपको basic idea थोड़ा सा होना चाहिए चलो नेक्स्ट इज डब्ल्यू एच ओ एम योगा एप नाउ दिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है योगा ये ये बेसिकली क्या करता करता है ये है प्रोवाइड वीडियोस योगा ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस के वीडियोस प्रोवाइड करता है सो इट इज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट ऐप इज दोस्त फॉर लाइफ सीबीएसई हैज रिसेंटली लॉन्च दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ओके सो इट हैज़ बिन लॉन्च फॉर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अब क्या हुआ ना यार अभी लॉकडाउन में या कोविड के बाद इतनी चीज़ें इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बट इवन देयर पेरेंट्स ऑल्सो सो उन सबको ध्यान में रखते हुए सी ने कुछ ऐसे फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए हैं कुछ ऐसे सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए हैं उसके अलावा ये ऐप भी लॉन्च किया है दोस्त फो लाइव सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि ऐप किसने लॉन्च किया है सो इट इज़ बाय सीबीएसई मूविंग ऑन इनकम टैक्स हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इट्स न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज इतत ए द्वार दिस नेम इज़ इंपॉर्टेंट बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये नेम इंपॉर्टेंट है कि ये नेम किससे रिलेटेड है सो दैट इज रिलेटेड टू ई फिलिंग पोर्टल नाउ मूविंग ऑन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज इनागरेटेड जेन गार्डन एंड केजन अकेडमी एट ए एम ए अहमदाबाद जेन गार्डन एंड केजन अकेडमी दिस नेम इज इंपॉर्टेंट सो फर्स्टली टेल यू एग्जैक्टली जेन एंड केजन होता क्या है ठीक है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको उसके बाद फिर इस पर आते हैं देखो जिन क्या होता है ना जैसे इंडिया में होता है मेडिटेशन जैसे इंडिया में है मेडिटेशन सेम जिन को हम बोलते हैं जापानीज वर्ड में मेडिटेशन यानी जैसे इंडिया में है मेडिटेशन वर्ड वैसे जिन वर्ड है जापान में मेडिटेशन के लिए एंड केजन वर्ड जो है केजन इज एक्चुअली मीन्स चेंज फॉर बेटर चेंज फॉर बेटर ओके सो ये वर्ड्स के मीनिंग है नो ये रिसेंटली अभी अनवेल हुआ है यहां पर बाई प्राइम मिनिस्टर सो जेन कार्ड एंड केजेन अकेडमी इज अंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइज अगेन जो भी चीजें होती है ना यार ये सारी चीजें होती हैं जस्ट टू मेंटेन अ गुड टाई विथ अ नेशन ना गुड टाई की बात कर रहे हैं हम अच्छे रिलेशन की बात कर रहे हैं तो जपान हैज ऑलवेज बीन आवर फ्रेंड ठीक है अगर मैं जपान की बात करूं तो रिसेंटली जापान के साथ हमने एस सी आर आई स्टार्ट किया था एस सी आर आई एस सी आर आई क्या होता है सर सो अगेन फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट सो इट मीन्स सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव ओके सो इट गॉट स्टार्टेड विथ इंडिया जापैन एंड ऑस्ट्रेलिया इन तीन कंट्रीज ने मिलकर स्टार्ट किया था जस्ट टू टैकल चाइना को टैकल करने के लिए सो दिस इज हाउ वी आर मेनटेनिंग गुड रिलेशन विथ जपैान ऑल्सो जपान के साथ अगर मैं मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करूँ सो so हमारी आर्मी हमारी आर्मी एक्सरसाइज करती है धर्मा गार्डियन नेम से धर्मा गार्डियन नेम से आर आर्मी एक्सरसाइजेस आर ए फोर्स एक्सरसाइज करती है शिनयू मैत्रई नाम से एंड आर नेवी करती है बाय जिमिक्स नेम्स ओके दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो मालाबार तो है ही जिसमें जापान पार्ट लेता है सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू जापान, क्योंकि अगर जापान और इंडिया का रिलेशनशिप न्यूज में है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा वो आपसे ऐसे घुमा के पूछेगा सो यू शुड नो एवरी थिंग नो मूविंग ऑन गोवा ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है अभी इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट एक्चुअली टू बिकम फ्री लास्ट थ्री साल से मेहनत कर रहे थे ये एंड फाइनली साल में उनके पास कोई केस नहीं आया है दिस दिस uh, uh, इस तरह उन्होंने काम किया है स्टेज वन स्टेज टू स्टेज फोर एंड स्टेज फाइव ओके ये पूरा काम उन्होंने मेहनत किया लास्ट छः सात सालों से सो फाइनली दे एक वायरस होता है जो एनिमल्स के काटने से होता है चलो मूविंग ऑन ओडिशा ओनली स्टेट टू है पे की की? तीनों मिलती हैं. अब तीन वो है मगर क्रोकोडाइल घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर दिस इज योर मगर ठीक है ये है आपका मगर ये है घड़ियाल और ये है सॉल्ट वाटर ये है एक्चुअली घड़ियाल एंड ये है सॉल्ट वाटर ठीक है सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो ओडिशा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डू सो मूविंग ऑन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ इन अंटार्क्टिका ना पहले लेट मी टेल यू एग्जैक्टली आइसबर्ग होता क्या है ठीक है तो आइसबर्ग क्या होता है आइसबर्ग एक पार्ट होता है आइस का ठीक एक पार्ट होता है आइस का जो ब्रेक होता है जो ब्रेक होता है कहां से ग्लेशियर से उसको हम बोलते हैं आइसबर्ग सो एक बड़ा पार्ट अभी ब्रेक हुआ है अंटार्क्टिका से तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट नाउ ये नेमिंग अब इसका नेम क्या है यार इसका नेम इज ए सेवेंटी सिक्स था ठीक है इसका नेम था ए सेवेंटी सिक्स ये जो बड़ा आइसबर्ग ब्रेक हुआ है इट्स नेम इज ए सेवेंटी सिक्स नाओ यह नेम एग्जैक्टली देता कौन है सो दिस नेम इज गिवन बाय यूएस नेशनल एक्चुअली नेशनल आइस सेंटर ठीक है दैट इज एन आई सी ओके सो ये एक यूएस की अथॉरिटी है विच इज द ओनली अथॉरिटी इन द वर्ल्ड जो अंटार्क्टिका के आइसबर्ग्स का नेम देती है ओके दैट इज़ यू एस नेशनल आइस सेंटर चलो मूविंग ऑन फेसबुक रिसेंटली हैज़ लॉन्च दिस इनिशियेटिव दैट इज़ रिपोर्ट इट डू नॉट शेयर इट दिस इनिशियेटिव इज लॉन्च्ड बाई फेसबुक अगेंस्ट टैकलिंग चाइल्ड अब्यूज रिसेंटली ट्विटर ऑल्सो ट्विटर के साथ गवर्नमेंट की जो भी खींचातानी हुई है अभी वो 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 उसके बारे में पढ़ना इज इंपॉर्टेंट सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ट्विटर को नोटिस दिया था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी अवेलेबल है ट्विटर पर वो हटनी चाहिए ओके सो बेस्ड ऑन दैट फेसबुक हैज़ लॉन्च दिस इनिशिएटिव चलो मूविंग ऑन चाइना सो चाइना ने रिसेंटली अलाउ कर दिया है हार मान ली इन्होंने कि भाई हमसे ना हो पाएगा सो इन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई तीन बच्चे पैदा करो क्या हुआ था ना इनिशियली नाइनटीन एटी 1980 जब चाइना की हालत खराब होने लगी थी तो उन्होंने अलाउ कर दिया था उन्होंने बोला था कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने लेके आए थे कि अब तो भाई एक बच्चा होना चाहिए बस ठीक वन चाइल्ड पॉलिसी लेकिन धीरे धीरे बहुत दिक्कत हुई चाइना की पॉपुलेशन भी ऑल लो कि वहाँ पे बूढ़े लोग ज्यादा हो गए ओके okay, सो so क्या हुआ कि अब उन्होंने 2006 में आके सॉरी 2016 में आके उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी शुरू कर दी ठीक है उन्होंने बोला कि ठीक है आप दो बच्चे कर सकते हो लेकिन रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फिर से बोल दिया कि नहीं नाउ यू कैन मूव टू थर्ड चाइल्ड पॉलिसी ओके कि आप थर्ड चाइल्ड भी कर सकते हो सो रिसेंटली इट वॉज डन योर चाइना नाउ मूविंग ऑन आइजग हरजोगेक्टेड एड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वैसे तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं वर्ल्ड में बट इराइल इज आर फ्रेंड एंड अच्छे रिलेशन रहे हैं गवर्नमेंट के न्यूज़ में हमेशा रहता है दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट आइजग हरजोग हैज़ इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इज़राइल एंड द सेम वे नैफताली बेनेट हैज़ सॉरी एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर सो ये प्राइम मिनिस्टर हैं एंड ये प्रेसिडेंट है चलो मूविंग ऑन सिक्योरिटी काउंसिल यू एन सिक्योरिटी काउंसिल ओनली काउंसिल जिसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं मेम्बर स्टेट पर आपको यह जानना चाहिए यूएन की बाकी जितनी बॉडीज हैं उनके डिसीजनस घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या डिसीजन डिसाइड कर रहे हैं बैठ के बट यू एन एस सी ने जो डिसाइड किया वो बाइंडिंग होते हैं तो क्या होता है ना कि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इंडिया आयरलैंड केन्या मैक्सिको नॉर्वे ये सारे इलेक्ट हुए थे एज अ नॉन परमानेंट मेम्बर पहली बात फाइव परमानेंट मेम्बर होते हैं एंड टेन नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि हर सेकेंड ईयर चेंज होते रहते हैं ठीक है तो फाइव परमानेंट मेंबर कौन से हैं फर्स्टली आपको वो पता होना चाहिए तो दे आर यूएस आप रशिया फ्रांस चाइना एंड यूके दीज आर फाइव परमानेंट मेंबर इनके पास होता है वीटो पावर वीटो पावर क्या होता है कि जैसे कोई डिसीजन कोई रेजोल्यूशन रशिया लेके आई ठीक है फ्रांस ने एक्सेप्ट किया चाइना ने किया यूके ने किया बट यूएस को पसंद नहीं आया तो यूएस ने अपना लगा दिया वीटो तो एक पावर है कि भाई मैं हम नहीं होने देंगे तो वो पावर होती है परमानेंट मेंबर्स के पास ठीक है तो अभी करंटली में इंडिया इज़ नॉन परमानेंट मेंबर और इंडिया अगस्त में चेयर करेगा हर हर मंथ एक पर्टिकुलर कंट्री शेयर करती है तो इंडिया वुड शेयर द मीटिंग इन अगस्त सो रिसेंटली क्या हुआ कि अभी अल्बानिया ब्राज़ील गैबन घाना एंड यू ये लोग भी इलेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज भी इलेक्ट हो गए हैं चलो मूविंग ऑन दिस न्यूज़ रिगार्डिंग आई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रपोज्ड सेटिंग ऑफ इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर ओके सो ग्लोबल वार्मिंग एंड जितनी भी चीजें हैं ना ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से हो रही हैं यार सो टाइम टू टाइम अलग अलग कंट्रीज अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एफर्ट्स डाल रहे हैं टू टैकल दिस ग्लोबल चैलेंजेस ओके सो रिसेंटली आई एम एफ ने प्रपोज किया है कि यार एक इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर सेटअप किया जाए सो दिस ऑर्डर टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग एंड टू अचीव लो कार्बन ग्रोथ द आई एम एफ हैज प्रपोज टू सेटअप इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर द प्राइस राइज ऑन कार्बन इंक्रीजे इनोवेशन एंड ट्रांजिशन टू रिबल एनर्जी एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़, बेसिकली वही नो मूविंग ऑन फिलीपींस को इंक्लूड किया गया है एफ ए टी ग्रे लिस्ट में नो एफ ए टी ग्रे लिस्ट की जब भी हम पढ़ते हैं जब भी हमें याद आती है तो सिर्फ पाकिस्तान आता है ध्यान में लेकिन पहली बार पॉजिट हुआ है कि फिलीपींस को एड किया गया है नो no, समझते हैं पहले एग्जैक्टली exactly है क्या यह ठीक है एफ ग्रे लिस्ट है क्या और क्यों इससे इतना कौफ खाते हैं लोग तो देखो पहले एफ क्या है वो जानते हैं एफ ए टी एफ इज बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ओके सो ये नाइनटीन एटी नाइन में बना था ड्यूरिंग अ जी सेवन सम्मिट इन पेरिस जी सेवन कंट्रीज मैंने आपको बताया अभी आपको बताना चाहिए ठीक है जी सेवन समिट नौ क्या हुआ था कि वहां पे ये पेरिस में होता सबमिट वहां पर डिसाइड किया गया था और ये इंटर आपस में गवर्नमेंट्स ने मिलकर ना ये डिसाइड किया था एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो नजर रखेगा कंट्रीज के ऊपर तो करंटली करंटली 39 कंट्रीज हैं एफ में ठीक है इसका जो सेक्रेटेरिएट है या हेड क्वार्टर बोल लो वो है करंटली इन ओ अब ओ क्या होता है ओ होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोपोरेशन एंड डेवलपमेंट ओके सो दिस इज योर ओ सी डी यहां पर है इसका जो कि पेरिस में है सो हेयर यू हैव हेडक्वार्टर ऑफ सेटेरियट ऑफ एफ ए सो जो ग्रे लिस्ट जारी करती है एफ ए ग्रे लिस्ट का मतलब है कि जिस कंट्री को ग्रे लिस्ट जारी की जा रही है दैट मीनस कि वो कंट्री पॉसिबिलिटी है कि वो कंट्री सपोर्ट कर रही है टेररिज्म को या टेररिस्ट एक्टिविटीज को चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू हो या कोई भी काइंड ऑफ सपोर्ट हो बेसिकली सपोर्टिंग जो ब्लैक लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट में एफ बिल्कुल श्योर होता है कि हाँ भाई तुमने तो किया है हमने तुमको देखा है वो वाला सीन होता है ग्रे लिस्ट में एक्विजिशन होता है या कुछ ऐसे मिलते हैं देखने को चांसेस होते हैं ठीक है तो करंटली फिलिपिन एंड पाकिस्तान इज इन ग्रे लिस्ट आपका होमवर्क ये है कि आपको सर्च करना है कि ब्लैक लिस्ट में कौन है क्या कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में है क्या ठीक है देखना वो चलो मूविंग ऑन आइनस संधायक डी कमीशन हुई है रिसेंटली एंड आई एन एस राजपूत ये डी कमीशन होगी हुई है ऑन मे ट्वेंटी वन ये दोनों हमारी आई एन एस इंडियन नोवलशिप डी कमीशन हुई है रिसेंटली एंड आपके लिए एक एक्सट्रा न्यूज ये है कि आई एन एस विक्रांत हमारी वुड गेट कमीशन इन बाय टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी तक आपकी आई एन एस विक्रांत कमीशन हो जाएगी ओके सो दिस थ्री आर इम्पोर्टेंट नाउ मूविंग ऑन मिल्ट्री एक्साइज अगेन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था ये हर वीडियो में आएगा सो so वज प्रहार हम करते हैं यूएस के साथ यूएस आर्मी के साथ अगेन युद्धाभ्यास ऑल्सो वी डू विथ यूएस आर्मी एंड रेड फ्लैग विथ इसमें मैंने लिखा नहीं है आगे ये नेम सो एक्चुअली मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर की हुई है ठीक है लास्ट वीडियो में तो ये उसी का उसी की स्लाइड है चलो वोविगोन अग्नि पी प्राइम ओके okay? अग्नि प्राइम अभी रिसेंटली डी ने टेस्ट किया है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly टेस्ट किया किसने है सो इट इज ओके अब डी आर डी ओ एग्जैक्टली है कहां पे या कहां से टेस्ट किया है ये तो बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि टेस्ट वगैरह होते कहां से हैं ठीक है इसरो कहां से करती है ये सारी चीजें कहां से होती हैं तो ये जान लो डी आर डी ओ ने यह टेस्ट किया है फ्रॉम ए पी जे अब्दुल कलाम आईलैंड जो कि है ओडिशा में ओके सो ये वहां से टेस्ट हुआ है अब क्या हुआ कहानी में आपको एक बात बताता हूं रिगार्डिंग एक टर्म है आई इसका मतलब है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग अब्दुल कलाम्स के टेनर के टाइम पे ठीक है और ये खत्म हुआ था 2012 में अंडर दिस प्रोग्राम जो कि सपना था हमारे प्रेसिडेंट का साहब का कि हम इंडिया को ताकतवर बनाएंगे इन मिसाइल सिस्टम ठीक है तो अंडर दिस अंडर दिस हमारी फाइव मिसाइल्स डेवलप हुई हैं आप उनको रट सकते हो याद कर सकते हो बाई दिस नेम पटना पटना के नाम से ठीक क्यों पटना के नाम से आपकी फाइव मिसाइल्स हैं पहली पी फॉर पृथ्वी दूसरी फॉर अग्नि नेक्स्ट टी से त्रिशूल नेक्स्ट एन फॉर नाग नेक्स्ट ए फॉर आकाश ये पांच मिसाइल आपकी अंडर दिस डेवलप हो चुकी हैं नौ पृथ्वी जो है वो वो है आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल अग्नि इज एक्चुअली योर बैलिस्टिक मिसाइल त्रिशूल इज सरफेस टू एयर मिसाइल नाग इज एंटी टैंक मिसाइल ना गहली ना वो सारी ठीक है एंड आकाश इज सर्फ वेस्ट टू एयर मिसाइल सो ये चीजें आपको एडिशनल पता होनी चाहिए ठीक है सो रिसेंटली पी जो कि एक एडवांस वर्जन है हमारी अग्नि मिसाइल का अग्नि मिसाइल वन से फाइव तक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं ठीक है यह एक उसका एडवांस वर्जन है इसकी जो रेंज है वो कम है बाकी मिसाइल के कंपेरिजन में बट इसकी बाकी चीजें इफेक्टिवनेस बाकी चीजें इसकी बेटर की गई है सो यू शुड नो दिस चलो मूविंग ऑन मूविंग टू दिस यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लॉन्च करेगा वर्ल्ड का पहला वुडन सेटेलाइट ओके सो इट विल बी लॉन्च बाई योर यूरोपियन स्पेस एजेंसी नेक्स्ट इज आम का मौसम है सो रिसेंटली जी आई सर्टिफाई किया गया है एक जर डालू नेम के मैंगो को ठीक है इसकी जो प्राइस है ना सुन के आप परेशान हो जाओगे पढ़ाई छोड़ो आम आम का पेड़ लगाएंगे लाखों में ओके मोर देन लाख रुपीज पर के जी ये प्राइस है इस आम का सो so, रिसेंटली इसको जी आई टैक दिया गया है टैग का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन ओके जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है किसी प्रोडक्ट को आप बोल रहे हो कि भाई तुम यहीं पैदा होते हो तुम यहीं मिलते हो जैसे आप सैफरॉन को बोला गया दिया गया कश्मीर के सैफरान को जम्मू कश्मीर के सैफरान को दिया गया जी आई टैक उसका मतलब है कि ओरिजिनली ये चीज कहां से ओरिजिनेट हुई है ओके okay? सो so, वो था जड़ालू चलो मूविंग ऑन दिस मालरकोटला बिकेम ट्वेंटी थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इंपॉर्टेंट इज तो पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए 23rd. Recent कौन सा है That is Malar, चलो को मिले उसके और था उसका रेमोना रिजर्व फॉरेस्ट जिसको नेशनल पार्क बनाया गया उसके जस्ट बाद देहिंग पटकाई को बनाया गया नेशनल पार्क रिसेंटली इसको भी बनाया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेकिन इसको चेंज करके फिर से बना दिया गया आ, नेशनल पार्क ठीक है सो असम वहां पे असम में आपके काजीरंगा मानस नमेरी आ, ओरंग एंड दिब्रू सिकोहा ये ऑलरेडी थे पहले उसके बाद रे एक रेमोना हो गया और अब एक दिहिंग पटकाई सो दिस इज इंपॉर्टेंट एक चीज और आप जान लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स आर इन एमपी टोटल नाइन नाइन नेशनल पार्क हैं एमपी में चलो मूविंग ऑन जी सेवन सबमिट मैंने शुरू में नहीं बताया था आपको नेशंस लास्ट में इसको ऐड किया है सो so, रिसेंटली हुआ है ये जी सेवन सबमिट ठीक तो पहले समझते हैं जिसे हम समिट में कंट्रीज कौन सी हैं सो कंट्रीज हैं हमारी यहां पे ये यह दिख रहे हैं यहां पे ऑलरेडी आपको ठीक है सो कंट्रीज हैं यूएस लेट मी चेंज द पेन ओके सो यूएस है कंट्री okay, so उसके बाद है कनाडा उसके बाद फ्रांस जर्मनी इटली जापान एंड यूके ये सारी कंट्रीज हैं जी सेवन की लेकिन इस बार क्या हुआ है इस बार चार कंट्रीज को जी सेवन समिट जो था यूके में पहली बार ये होस्ट किया गया था यूके में ठीक है इसको होस्ट किया यूके ने सो so, इस बार के सममिट में ऐसा डिफरेंट ये हुआ कि चार कंट्रीज को बुलाया गया था एज अ गेस्ट चार कंट्रीज कौन सी थी वो थी साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ठीक तो इन तीन कंट्री के जो हेड हैं वो गए थे वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली अटेंड किया था बिकॉज करंटली इंडिया इज इन पैंडमिक ठीक है सो so इसलिए इंडिया ने अटेंड किया था इसको वर्चुअली सो so इस बार एक डिफरेंट चीज़ ये हुई यार जी सेवन सबमिट में कि एक थीम रखा गया था जी सेवन सबमिट का पहली बात जी सेवन का कोई हेड क्वार्टर नहीं है ओके okay? कोई ऐसा कुछ फिक्स्ड हेड क्वार्टर नहीं है सो so इस बार एक डिफरेंट चीज ये हुई कि एक थीम दिया गया वन थीम इज गिवन टू दिस जी सेवन सबमिट दैट इज बिल्ड बैक बेटर ट्रस्ट मी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा किसी ना किसी एग्जाम में एफ फैट में या सीटस में ये पूछ लेगा सो यू शुड नो दिस सो यूके करंटली होल्ड करता है प्रेसिडेंसी ऑफ जी चलो मूविंग ऑन ये इंडेक्स आया था ग्लोबल पीस इंडेक्स सो अफगानिस्तान इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें हो रही है वहां पर सो अफगानिस्तान इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री ये फिफ्टीन एडिशन था अगेन इंपॉर्टेंट किसको लॉन्च किसने किया था सो इट वाज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है 163 कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ पीसफुलनेस ओके ये 23 थ्री मेजर्स रखता है ध्यान में ये रैंकिंग करते हुए सो इंडिया रिसेंटली गॉट वन थर्टी फिफ्थ पोजिशन एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो है वो इंडिया से ज्यादा पीसफुल है इंपॉर्टेंट इज दिस चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट इज वर्ल्ड कंपिटिटिव रैंकिंग और इंडेक्स अगेन दिस इज कंपाइल्ड बाई दिस इज इंपॉर्टेंट बाई इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड इंडिया की जो रैंक है वो अनचेंज्ड है इंडिया की रैंक अनचेंज्ड है एट फोर्टी थर्ड तो जो लास्ट ईयर थी वही सेम है इस ईयर फर्स्ट रैंक इज स्विट्जरलैंड सेकेंड इज स्वीडन एंड थर्ड इज डेनमार्क सो दीज टॉप थ्री वाले भी आप देख लेना नाउ मूविंग ऑन टू कुछ ऐसे चीजें जो एग्जाम में पूछता है वन लाइनर्स रिगार्डिंग बुक्स रिसेंटली रवि शास्त्री ने अपनी बुक रिलीज की है इस ईयर होम इन द वर्ल्ड इज अ बुक बाय अमर सेन जो मेमोर है उनकी वो रिलीज होगी जुलाई में मावना सुडान बिकेम फर्स्ट वेमन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू बिकम इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लान नो ये एक एक्स्ट्रा न्यूज थी जो मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे माया सुडान जो कि फर्स्ट वीमेन है फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू बिकम एयरफोर्स पायलट ओके पुलित्जर प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर फिक्शन वेन टू लुइस एर्डिश फॉर द नाइट मैन नाइट वॉचमैन दिस अवार्ड इज इम्पॉर्टेंट दिस नेम इज इम्पॉर्टेंट दिया किसके लिए था फिक्शन के लिए एंड फॉर नाइट वॉच मैन ओके वी ऑल नो दिस सैड न्यूज रिगार्डिंग स्प्रिंटर मिल्खा सिंह ही रिसेंटली गॉड पास्ड अवे एंड ही वॉज एसोसिएटेड टू यू शुड नो दैट ओके सो मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि एक्जैक्टली exactly वो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे स्पोर्ट्स no, की कुछ न्यूज स्पोर्ट्स की बात करते हैं नोवाक जोकोविच ने रिसेंटली क्लिंच किया है फ्रेंच ओपन मेन सिंगल ओके सो मेन्स की अगर बात किया यहां पे तो वीमेन का जो था वो विच वॉज वन बाई बर्बरा क्रिजिकोरा ओके एंड शी इज़ फ्रॉम चेज रिपब्लिक सो दिस इज कंट्री यू शू नो एंड नोवाक जोकोविच कहां के हैं वी ऑल नो दैट इज सर्बिया ओके सो नोवाक ने जीता था फ्रेंच ओपन मेन एंड बारबरा ने जीता था विमेन वी ऑल नो दिस सैड न्यूज यार न्यूजीलैंड वन आईसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत बुरा लगा था आपको सिर्फ यहां पर ध्यान ये रखना है ये सर्च करना मैन ऑफ द मैच कौन था ऑन दैट पर्टिकुलर टेस्ट वो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में इंडियन ऑफिशियल ओलंपिक शुरू हो रहा है रिसेंटली कहां हो रहा है टोक्यो में हो रहा है ठीक सो इंडियन ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरे सम्मान में सम्मान सामने है ठीक है ये एग्जैक्टली exactly इस इंडिया का ओलंपिक थीम सॉन्ग है कुड बी आस्ट इन यू एग्जामिनेशन नो यहां दो चीज है जो ओपनिंग सेरेमनी होगी जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें इंडिया का फ्लैग इंडिया को लीड कौन करेगा वो है नाम वो है आपके मैरी कॉम एंड मनिंदर सिंह हॉकी के ठीक है वो लीड करेंगे जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें इंडिया का फ्लैग या इंडिया कंटिजेंट को लीड करेंगे बजरंग पूनिया

उसके बाद दूसरी चीज ये कि रिसेंटली शी गॉट फर्स्ट रैंक इन टी ट्वेंटी ओके सो अगेन शी इज यंगेस्ट टू अचीव दिस फीड ऑल्सो मूविंग ऑन 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन ए आई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल टेक प्लेस फ्रॉम अक्टूबर इन बेलग्रेड ये बेलग्रेड में होगी सो यू शुड नो दिस ऑल्सो नाउ मैनचेस्टर सिटी वॉन इंग्लिश प्रीमियर लीग आप फुटबॉल की बात करते हैं तो दो दो अभी और चीजें हुई थी फर्स्ट इज यूरो कप सो यूरो कप वॉज वन बाय इटली

मेन टीम के हम सबको पता है बट वेमन टीम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इक्वली इंपॉर्टेंट सो रमेश पवार इज द न्यू हेड कोच ऑफ विमेन्स क्रिकेट टीम नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट डेज फ्यू इंपॉर्टेंट डेज जो इन दोनों महीने में रहे हैं सो फर्स्टली इज वर्ल्ड इन्वायमेंट डे ओके सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ जून जो थीम था इस बार का थीम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट वॉज इको सिस्टम रिस्टोरेशन थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायमेंट डे वॉज दिस नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओशंस डे 8th जून को सेलिब्रेट किया जाता है इसका जो थीम था वो थीम था द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड मूविंग ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो आपको बताया थीम था योगा फॉर वेलबींग नाउ नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे ट्वेंटी जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट मे को इसका रीजन सम हाउ इट इज रिलेटेड टू राजीव गांधी ओके कैसे बताना मुझे आंसर की नीचे कमेंट सेक्शन में ओके चलो मूविंग ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडावर्सिटी ये बायोडावर्सिटी डिफरेंट है जो ऊपर हमने पढ़ा उससे डिफरेंट है एनवायरमेंट डे से डिफरेंट है थीम था वी आर अ पार्ट ऑफ द सल्यूशन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नर्सेस डे इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेल्थ में ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटेंगल ओके एंड थीम जो था इस बार का वो था नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर नेशनल टेक्नोलॉजी डे इट वॉज ऑन एलेवेंथ में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इट वॉज ऑन थर्ड में थीम जो था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का वो था इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड सो दीज वर योर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ योर मे एंड जून ओके सो आई एल बी अपलोडिंग सच करंट अफेयर रेगुलरली टिल अक्टूबर आपके सी तक ओके अलॉन्ग विद डैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू वरियस वीडियोज ऑन इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे पॉलिटी हो गया साइंस हो गया या मैं उसके अलावा लाइव भी ले रहा हूँ क्लासेस ठीक है जितनी भी चीज़ें हैं यार आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे तो परेशान मत हुआ करो बस मेहनत के लिए तैयार रहोगे जस्ट बी रेडी टू स्टडी मेहनत करोगे आई एम हेयर रास्ते अपने आप मिल जाते हैं ठीक है जस्ट बी रेडी टू पुट योर एफर्ट्स आई एम हेयर टू पुट माइंड विथ योर्स ओके चलो गॉड ब्लेस यू ध्यान रखो खुश रहो बाकी को खुश रखो बाय बाय